हाँ, जैसे कि अपने साउथ वेस्ट राज्य मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवा का केंद्र बना हुआ है, उसके वजह से जो जो महाराष्ट्र से लगे हुए जो प्रक्षेत्र हैं वहाँ पे तेज हवाओं के साथ बारिश हो कहीं कहीं ओले भी पड़ने की संभावना है। इसके लिए हमने कम से कम 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा प्रदेश भर में बारिश की स्थिति बनी हुई है और जो यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है रीवा सीधी सिंगरौली छतरपुर टीकमगढ़ ग्वालियर भिंड वहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ के हीट वेव की स्थिति में आने वाले, जहाँ टेम्परेचर 45 या से ऊपर होने वाले हैं और ये स्थिति लगभग 2 दिन ऐसी ही बनी रहेगी। राजधानी भोपाल की बात करें तो क्या माहौल रहेगा? राजधानी भोपाल में लगभग ऐसे ही बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, छुटपुट बारिश किसी एरिया में हो सकती है और टेम्परेचर 41-42 के आसपास बना रहने की संभावना। अलर्ट जारी कहाँ अलर्ट जारी किया गया है? अपने जो किया गया है बुरहानपुर खंडवा खरगोन देवास हरदा होशंगाबाद और सीहोर जिले में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ छोटे आकार के ओले भी पड़ सकते हैं और बारिश होने की संभावना है। धन्यवाद।